हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल में। आज मैं बनाऊंगी बिल्कुल ढाबा स्टाइल में पनीर मसाला। तो आप यहां पर इसका टेक्सचर देख सकते हो कितना रिच और थिक है। इसे मैंने काजू क्रीम या दही के बिना घर में रखे सिंपल इंग्रेडिएंट और बहुत कम ऑयल से बनाया है और दिखने के साथ ही टेस्ट में भी ये बिल्कुल ढाबा या रेस्टोरेंट जैसा ही है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी इस पनीर मसाला को बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 200 ग्राम फ्रेश पनीर ली है जिसे मीडियम साइज में कट कर लिया है। तो इसके ऊपर मैं कुछ मसाले स्प्रिंकल करूंगी। इसमें मैं डाल दूंगी ये आधा छोटा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच रेड चिली पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्के हाथों से यहाँ पर इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमें पनीर को मैरिनेट करना है, तो अब मैं यहाँ पर इसे 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट करने दूंगी और तब तक आगे की तैयारी कर लेंगे। तो गैस पर मैंने एक पैन रखा है, इसमें मैं डाल दूंगी ये 2 टी स्पून या 2 छोटे चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच साबुत जीरा, 8 से 10 काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 छोटी हरी इलायची, 2 से 3 लौंग और लास्ट में डालेंगे आधा चम्मच सौंफ। गैस का फ्लेम यहाँ पर लो रखेंगे और लो फ्लेम पर कंटिन्यूसली चलाते हुए इन मसालों को रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर इनका कलर चेंज हो चुका है, तो गैस का फ्लेम बंद करके इसे मैंने यहाँ पर बोल में निकाल लिया है। ठंडा होने पर मैं यहाँ पर इसे ग्राइंड कर लूँगी। तो सेम पैन में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून या 1 बड़ा चम्मच बेसन। बेसन को मिक्स कर लेंगे और इसे भी लो फ्लेम पर कंटिन्यूसली चलाते हुए रोस्ट करेंगे। रोस्ट किया हुआ बेसन डालने से टेस्ट अच्छा आने के साथ ही गाढ़ापन भी आएगा इस पनीर मसाला में। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट का समय हो चुका है और इसका जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो चुका है और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो गैस का फ्लेम बंद करके इसे मैं एक बोल में निकाल लूंगी। तो यहाँ पर मैंने मसालों को भी ठंडा होने पर इस तरीके से दरदरा ग्राइंड कर लिया था। तो यहाँ पर हमारा पनीर मसाला के लिए मसाला भी तैयार है। तो गैस पर मैंने एक कढ़ाई में डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल यहाँ पर अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें मैं डाल दूंगी एक एक करके मैरिनेटेड पनीर। पनीर को मैं यहाँ पर कम ऑयल में शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पर 2 मिनट का समय हो चुका है, इन्हें मैं दूसरी साइड पलट दूंगी और दोनों साइड से पनीर को हल्का सा कलर चेंज होने तक और क्रिस्पी होने तक फ्राई करूंगी। तो इस तरीके से जब हम पनीर को पहले फ्राई करते हैं तो उससे इस पनीर मसाला में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर दोनों साइड से ये फ्राई हो चुकी है, तो इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी। बाकी बचे हुए ऑयल में ही मैं यहाँ पर डाल दूंगी 1 चम्मच घी। आप इसकी जगह बटर का भी कर सकते हो। घी और ऑयल दोनों को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ये आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा और 1/4 चम्मच हींग। तो हींग डाइजेशन के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है, आप इसे ज़रूर डालें। 1 तेज़पत्ता और 2 साबुत लाल मिर्च मैंने इसमें डाल दी है। कंटिन्यूसली चलाते हुए लो फ्लेम पर कुछ सेकंड के लिए इन मसालों को रोस्ट करेंगे। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 बड़े साइज़ की प्याज। इसको मैंने इस तरीके से बारीक कट कर लिया था। तो प्याज को भी यहाँ पर मिक्स करेंगे और कंटिन्यूसली चलाते हुए 2 मिनट तक रोस्ट करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर इसमें डाल रही हूँ अदरक और लहसुन। तो इन दोनों को मैंने छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करके इसमें डाला है। आप चाहो तो इनका पेस्ट भी बनाकर डाल सकते हो। और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी मैंने इसमें डाल दी है। मिक्स कर लेंगे और इन सभी को 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यूसली चलाते हुए रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं। इसमें मैं ऐड करूँगी कुछ मसाले। मसालों में सबसे पहले डालेंगे इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तो इसे मैं कलर के लिए डाल रही हूँ, 1 चम्मच नमक, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डालें, और इसमें डाल देंगे लास्ट में रोस्ट किया हुआ दरदरा मसाला। तो यहाँ पर इन मसालों को भी मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर कुछ सेकंड के लिए इन्हें रोस्ट करेंगे। तो गैस का फ्लेम यहाँ पर लो रखेंगे मसालों को डालते समय। अब इसमें डाल दूंगी मैं ये रोस्ट किया हुआ बेसन, इसको भी मसालों में अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर पहले से हम इसे रोस्ट करके डाल रहे हैं, तो कुछ सेकंड के लिए ही मैं यहाँ पर इसे रोस्ट करूंगी। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी 3 लाल रंग के टमाटर की प्यूरी,
इसको मिक्स करेंगे। तो आप यहाँ पर इसे 3 से 4 मिनट तक कुक करें। आप चाहो तो इसे ढक्कन लगाकर भी कुक कर सकते हो, लेकिन मैं इसे खुले में ही कुक कर रही हूँ। तो यहाँ पर मसालों से जो तेल है वो इस तरीके से सेपरेट हो चुका है, बहुत अच्छे से हमारे यहाँ पर ये मसाले रोस्ट हुए हैं। इसमें मैं ऐड करूँगी पानी। तो यहाँ पर मैंने ये 1 कप के लगभग पानी डाल दिया है, मिक्स कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर इसकी जितनी ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ पर पानी का यूज़ करें। तो पानी में यहाँ पर बॉयल आ चुका है, अब मैं इसमें डाल दूँगी ये शैलो फ्राई की हुई सारी पनीर मैंने इसमें डाल दी है। एक बार इसे मिक्स कर लेंगे स्पैचुला से। तो अब मैं यहाँ पर ढक्कन लगाकर इसे 5 से 6 मिनट तक कुक कर लूँगी। तो यहाँ पर 6 मिनट का समय हो चुका है और मैंने ढक्कन खोल लिया है, इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इस पनीर मसाला से। तो अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को मैंने तवे पर रोस्ट कर लिया था, हाथ से इस तरीके से क्रश करते हुए डालेंगे। इसमें मैं डाल दूंगी 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसे भी यहाँ पर अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो आप यहाँ पर इसकी ग्रेवी देख सकते हो कितनी रिच और थिक लग रही है। तो लास्ट में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच के लगभग ये फ्रेश क्रीम। तो यहाँ पर यह ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इसे डालें, वरना आप इसे स्किप कर सकते हो, या इसकी जगह 1 चम्मच घी या फिर 1 चम्मच मलाई का भी यूज़ कर सकते हो। तो इसे मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही टेस्टी पनीर मसाला बनकर तैयार है। लास्ट में इसके ऊपर डालेंगे ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही डिलीशियस, बिल्कुल ढाबा स्टाइल या यूँ कहें कि ढाबे से भी अच्छा पनीर मसाला सर्व करने के लिए तैयार है। इसे मैं सर्व कर रही हूँ 1 सर्विंग कढ़ाई में। तो फ्रेंड्स, देखने में हमारा ये पनीर मसाला यहाँ पर जितना यम्मी लग रहा है, खाने में ये उतना ही टेस्टी है। तो आप इस रेसिपी को अपनी फैमिली के लिए ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं आशा करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।